हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है तारीख कितनी, आज 8 तारीख, आज 8 तारीख है और दिन है आज वेनसडे मतलब बुधवार। तो दोनों बच्चे नहाएंगे आज, क्योंकि मैं अब ठंड हो गई है तो एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ बच्चों को। और सर्दियाँ तो आई गई हैं, दिसंबर चल रहा है, तो मान जाओ भाई मान जाओ। तो इन बच्चों को नहला के पहले तो काम पड़ा हुआ है ऐसे ही। ये देखिए पूरा इनकी लड़ाई चलती रहती है इन दोनों की बस। और तो मैंने कहा पहले इनको नहला कर अच्छे से इनको भगा दूंगी यहाँ से, फिर तैयार होके मतलब तैयार नहीं नहा धो के ऐसे ही नीचे घूमने चले जाएंगे, बैठ जाएंगे मैं ताई के कमरे में नीचे जाके, फिर मैं अपना काम करूँगी सारा। और कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए, क्योंकि कल है बृहस्पतिवार, फिर कल धुल नहीं पाएंगे तो आज धोऊंगी मैं हाथों से। तो चलिए फिर और तौलिया धोते धोते जो कि ये फट गई थी और नई लेकर आनी है अभी, तो मैंने कहा चलो फट गई तो फाड़ ही देते इसे अच्छी तरीके से। दो पीस हो गए थे इसके, तो मैंने कही हाथ मुँह पहुँचने के काम में आएगी। तो चलो भाई अब एक खर्चा और बढ़ गया ये तो बहुत गंदी हो जाती है वाइट कलर। आपकी सफ़ेद नहीं लेकर आऊँगी, कलर में लेकर आऊँगी रंगीन में। तो यहाँ पर जो है सारे कपड़े धुल चुके थे और छत पर भी डाली आई थी मैं यहाँ पर। इस टाइम पर बेड वगैरह साफ़ कर दूंगी, बेड वगैरह साफ़ करने के बाद किचन भी बहुत गंदी पड़ी वो भी साफ़ करनी है। और अगर आपको मेरे डेली ब्लॉग डेली रूटीन पसंद आते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे जो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगे डेली रूटीन जो कि मिलते रहेंगे। तो बेड की चादर जो है मेरी यहाँ पर बिछ गई है, और भारी वाली चादर होती है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो ज़्यादा सिमटती नहीं है, आराम से बिछी रहती है। और ये हल्की वाली तो भैया बहुत दुखी करती है, दिन में 3-4 बार बिछानी पड़ती है जब जाके टिकती है ये। और यहाँ पर चादर बिछाने के बाद जो है बर्तन पड़े थे चाय के तो वो भी साफ़ कर दिया है मैंने, और स्लिप साफ़ कर दूँगी। इधर नकुल को लगी है बहुत ही भूख 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 चिल्ला रहा है वो तो। और मैंने कहा चलो भैया अभी बनाती हूँ, पहले बर्तन साफ़ कर देती हूँ फिर बनाऊँगी। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के बाद जो है मैं यहाँ पर उसके लिए बनाऊँगी रोटी, क्योंकि वो पराठे नहीं खा रहा, मना कर रहा है। उसकी रखी थी कल शाम की सब्ज़ी दम आलू, वो जो मैंने बनाए थे कल आपको पता है साबुत आलू, वही रखे, उसे बहुत पसंद है। तो वो बोला मेरे रोटी बनाना, मैंने कहा चलो ठीक है, पहले बोला पराठे फिर बोला रोटी, मैंने एक चीज़ बता कह चलो रोटी ही बना दो, मैंने कहा चलो ठीक है। तो यह मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैं भी अपने लिए आलू के पराठे जो है सेक लूँगी। तो आलू के पराठे जो है मेरे बन के तैयार हो गए हैं। ये रात की सब्ज़ी रखी थी और ये है मट्ठा, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्ची डाल ली है और आलू के पराठे। सब्ज़ी वाले का इंतजार कर रहे थे, सब्ज़ी वाला आया ही नहीं, तो फिर बैठा कर आया था बनाते बनाते। खाने बैठी जैसे ही सब्जी वाला आ गया, मैं कह रही थी सब्जी वाला नहीं आ रहा, सब्जी वाला आ गया। बथुआ ले लिया मैंने, गाजर ले ली, मूली ले ली और धनिया लिया। गाजर मूली मैंने इसलिए लिए क्योंकि अचार बनाऊंगी, ये रहा गाजर मूली का अचार बनाऊंगी, बड़ा टेस्टी बनता है सर्दियों में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से, ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ता और टेस्टी भी बहुत लगता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, अच्छा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसे ही डलता है कि मतलब थोड़ा सा डाल लो 8-10 दिन के लिए और खा लो, इनमें बस यही है। बताओ फिर वही क्या कर रहा है, उसकी क्यों खा रहा है फिर? हाँ प्लीज प्लीज करने से मिल जाएगी किसी दूसरे की चीज खा दे बता। तो गाजर मूली जो है मेरी कट चुकी थी, मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से और साफ़ सुथरे कपड़े से धोकर उसको अच्छे से पोंछ कर उसका पानी सुखा कर, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए धूप में। और यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च, एक नहीं 8 से 10 हरी मिर्च और अदरक था वो भी काट लिया था, तो इसका टेस्ट अच्छा। तो यहाँ पे बथुआ वगैरह साफ हो चुका है, धनिया साफ कर रही हूँ मैं, 2-3 घंटे। और जो गाजर मूली मैंने काटी थी वो
क्या बोलते हैं अचार के लिए, तो वो जो सूख चुकी है मैं उतार भी ले आई हूँ और बैठ कर सुखाई थी मैंने, पता है वहाँ पे 2-2.5 घंटे बैठी रही मैं मूली गाजर के पास, जब जाके सूख पाई वो, क्योंकि बंदर इतने सारे आ गए थे, बहुत सारे, और बंदरों की वजह से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ ना बना सकते ना सुखा सकते, छत पर तो कुछ डाल ही नहीं सकते। और अभी बीच में बंदर आना बंद हो गए थे लेकिन फिर से आने स्टार्ट हो गए, तो फिर वहीं बैठना पड़ा, फिर चलो मैंने कहा बैठ ही जाते हैं। और ये बथुआ उबालने के लिए रखूँगी, बथुआ उबालने के बाद जो है रायता बनाना है मुझे और अचार डालना है, बहुत सारा काम करना है मुझे, और सिंक में पड़े हुए बर्तन वो साफ़ करने हैं, और जब बथुए का रायता बनेगा तो मैं थोड़े से चावल भी बनाऊँगी जो कि मेरे बहुत फेवरेट है चावल और रायता, तो वही बनाऊँगी वही खाऊँगी पहले मैं, तो पहले इसे कर लेते हैं फटाफट से। और अचार डालूंगी मैं, और अचार की जो रेसिपी है वो मैं अलग से बनाऊंगी, उसकी पूरी रेसिपी मैं डालूंगी कि कैसे कैसे क्या डाला है, क्या क्या सामान डाला है, कितना कितना डाला है, सब चीज़ डालूंगी उसके साथ, इसलिए इसमें ना इस वीडियो में ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने कहा अलग से बना कर डाल दूँगी और ज़्यादा ठीक रहेगा, छोटा सा वीडियो बना कर डालूँगी उसका, तो आप लोग देख लेना अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो अचार खाना, मेरी तरह ज़्यादा पसंद है खाना तो। तो ये देखिए ये सूख चुके हैं, इसका पानी जो बिल्कुल मर गया है, मॉइस्चराइजर नहीं है इसमें, तो अचार भी मेरा बनके जो है तैयार हो चुका है और उसकी रेसिपी अलग से डालूंगी मैं। तो ये देखिए सारा काम हो चुका है, डब्बा समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस में करूँ, तो फिर मुझे बड़ा डब्बा दिखाई दिया तो मैंने कहा चलो इसी में कर लेते हैं। फिर इसमें क्या होगा, आराम से इसे 2-3 बार हिलाना पड़ता है अचार को, तो वो अच्छे से हिल जाएगा फिर, और अगर मैं ठूस के भरती भर के रखती ना कुछ छोटे बर्तन में तो फिर वो हिल नहीं पाता, तो मैंने चलो इसी में कर देते हैं। और यहाँ पर सारा काम हो चुका था, मैं मार्केट से आ भी गई थी, मार्केट वगैरह हो गया था, तो यहाँ जाना है हमें दावत में शाम को, तो बस वहीं की तैयारी हो रही है, नेल पेंट लगा रही हूँ मैं। और शादी किसकी है ये भी बता देती हूँ, हमारी मामी सास है उनकी लड़की की शादी है, आज बारात आ रही है और आज तारीख है 8 दिसंबर, ठंड भी बहुत हो रही है और यहाँ पर पैरों में तो लगी हुई थी नेल पेंट, तो मैंने कहा चलो छोड़ो फिर। तो यहाँ पर जो है तैयारी हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। और ये मैंने चूड़ी का सेट बना के रखा था, ये केशव ने सारा बिगाड़ दिया, ये सच में इसके इतने हाथ चलते हैं, मेरे मेकअप सारा बिगाड़ के रख देता है। और मैं पहले सबसे कहती थी कि मेरे बच्चे हाथ नहीं लगाते, बताओ अब ये इतना शैतान है, इसने सारी नाक कटा के रख दी मेरी, तो भाई जितनी तारीफ़ की उससे ज़्यादा नाक कटा दी इस लड़के ने, हर चीज़ छेड़ता है, हर चीज़ लिपस्टिक लगाने की पड़ती है सब चीज़, और सारा मेकअप करके बैठ जाता है लड़कियों की तरह, भगवान ने इसे गलती से लड़का बना दिया, लड़की होती तो चलो अच्छा भी लगता कि लड़की है, भाई शौक़ होता है लड़कियों को मेकअप करने का, लड़कों को कहाँ से होता है। और लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि भाई आजकल तो लड़कों को भी शौक है, टिकटॉक वीडियो देख लो जाकर लड़के लड़कियाँ बने फिर रहे हैं, बताओ। और यहाँ पे चूड़ी वगैरह सारा मेकअप हो चुका था, बस चूड़ियाँ रह गई थी। तो चलिए हम आ चुके हैं पार्टी में, तो ये हमारी इंडियन पार्टी है, इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पर, ये है इंडियन पार्टी, हमारे भारत की दावत। और यहाँ पे कॉफ़ी पी थी सबसे पहले क्योंकि मुझे इतनी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने पी पहले गर्मा गर्म कॉफ़ी, फिर उसके बाद ये थोड़े से गोलगप्पे खाए, थोड़े से नहीं मैंने 2 खाए थे, 2 केशव ने खाए थे। और पता है मार्केट में जाओ खाने तो मन नहीं भरता, वहाँ तो ऐसा लगता है 20 रुपये का खा लिए ज़्यादा हो गए भाई, चलो छोड़ो, उसमें सब चीज़ देखना पड़ता है मार्केट में, बजट भी देखना होता है और मतलब सब चीज़ देखना होता है, और शादियों में खाए नहीं जाते, कहीं फ्री में मिल जाए तो वहाँ पर खाए नहीं जाते, पता नहीं क्यों होता है ऐसा, मेरे साथ तो होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस के साथ में ऐसा ही होता है, शादियों में नहीं खाए जाते गोलगप्पे। और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, वहाँ का पानी भी बहुत टेस्टी था, मैं सच बता रही बहुत अच्छे गोलगप्पे लग रहे थे मुझे वो, पल कर खाए नहीं जा रहे थे, अब चाहे कुछ भी समझ लो, या तो शर्म के मारे नहीं खाए जाते या फिर ये कहो कि कोई ये नहीं कि हाय राम कितने खा गई भाई ये, तो कुछ भी समझ लो। तो मैंने तो 2 खा के हट गई थी, 2 केशव ने खाए थे तो 2 मैंने खाए थे, और दीदी भी खा के हट गई थी, उनको भी हो गया था, वो भी कह रही थी यार गोलगप्पे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने कि हाँ। और यहाँ पर आ गई है दावत, तो यहाँ पर पहले उड़द की दाल डाली गई थी, और अब आ गया है यहाँ पर मटर पनीर और झोल अरबी का जो कि मुझे थोड़ा मीठा मीठा लग रहा था, और मिक्सी रोटी, आलू की सब्ज़ी, और यहाँ पे आगे पूड़ी, और बहुत सारा आइटम था खाने में, और दही बड़े भी थे और रबड़ी भी थी, तो केशव बहुत हंस रहा था कि मम्मी की रोटी तो दावत से तो आ चुके हैं,
तो चलिए स्टार्ट। खाना पीना हो गया है, टाइम बता दो तो 10 बज रहे हैं अभी, और थोड़ी देर के लिए इतना सारा ताम झाम किया, जब जाके क्या कहते हैं दावत खा कर आए, फिर आ गए, अब सारा कुछ उतारेंगे, सो जाएंगे बस। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ कल। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।